अस्सलामुअलैकुम। ओमान के लिए कार रेंटर की रिक्वायरमेंट है। इंडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपलसरी। कार रेंटर जिसको इंडिया का एक्सपीरियंस है वो बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। ड्यूटी 10 घंटा रहेगी। एज 40 से अंदर होना चाहिए। 40 से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेगा। ECR पासपोर्ट भी चल जाएगा। ओमान के लिए रिक्वायरमेंट है सैलरी इसमें 170 ओमानी रियाल प्लस खाना और रहना फ्री में कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। सऊदी अरेबिया के लिए रिक्वायरमेंट है मैसन की, जो रिटर्न मैसन चाहिए, मतलब जिसको गल्फ़ का एक्सपीरियंस है गल्फ़ कंट्री का, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकेगा। सैलरीज के अंदर 2300 प्लस 200 प्लस ओवर टाइम और एकोमोडेशन मिल जाएगा। 2300 प्लस 200 सैलरी है, मतलब टोटल 2500, 200 जो है खाने का मिल जाएगा। सऊदी अरेबिया के लिए रिक्वायरमेंट है जिद्दा सेक्टर के अंदर ड्यूटी 10 घंटा रहेगी और गल्फ़ एक्सपीरियंस कंपलसरी है। गल्फ़ एक्सपीरियंस का जो भी वीज़ा कॉपी या जो भी सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट के साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया में नियो यील्ड्स कंपनी है, टेलरिंग की कंपनी है। टेलर्स में रिक्वायरमेंट है लेडीज़ और जेंट्स के टेलर्स होने चाहिए। सैलरी उसमें 1500 बेसिक मिलेगा, 200 खाने का अलग से मिल जाएगा। एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है और जो भी बंदा इसमें जाएगा वो बंदे को बेसिक इंग्लिश और अरेबिक स्पीकिंग आना चाहिए। तो जो भी बंदे ये तीन कैटेगरीज में अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें अगर जो भी बंदा जाना चाहता है वो अपना सिंगल PDF में स्कैन कॉपी में सारा डॉक्यूमेंट हमको जल्द से जल्द सेंड कर दें।